हाय गाइस, सतोष कुमार, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे डायमंड पुशअप्स। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस, आज हम डायमंड पुशअप 3 स्टेप में सीखेंगे। और सबसे अहम रोल जो होता है डायमंड पुशअप्स के लिए, आपको नॉर्मल पुशअप्स तो आनी ही चाहिए। अगर आप नॉर्मल पुशअप्स कर सकते हैं तो अगले स्टेप में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगले स्टेप में आपको करना होगा, अपने नीज पे आना होगा इस तरह से, और यहाँ पे डायमंड बनाना होगा एक अपने हाथों के बीच, और बिल्कुल शोल्डर के हिसाब से आपको रखना होगा। और यहाँ पे, और उसके बाद आपको सिर्फ डाउन जाना होगा। देखिए, ये तो आप पहले कर सकते हो। और जब आप ये कर सकते हो तो उसके बाद आपको डायमंड पुशअप्स की पोजीशन रहेगा इस तरह से, देखिए। और यहाँ पे हम सिर्फ डाउन जाएंगे, डाउन। फिर पुशअप पोजीशन, डायमंड पुशअप्स, फिर डाउन। पहले आपको यही ट्राई करना होगा, और जब आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो तो उसके बाद आपको करना होगा फिर डायमंड पुशअप्स की पोजीशन शोल्डर के हिसाब से, फिर डाउन, और फिर नी डाउन, और फिर अप। देखिए एक बार, डाउन, नीज डाउन, फिर अप, डाउन, नीज डाउन, फिर अप, डाउन, नीज डाउन, फिर अप। अगर आप ये को अच्छी तरीके से कर सकते हो तो आप बिल्कुल डायमंड पुशअप सीख चुके हो। उसके बाद आप आराम से डायमंड पुशअप लगा सकते हो। उसके बाद आप आराम से डायमंड पुशअप इजीली कर सकते हो इस तरह से। और ये चीज़, ये आपको बहुत ही दूर से नहीं करना होगा, वरना ये शोल्डर की बहुत प्रेशर पड़ेगा। ये रॉन्ग है, आपको शोल्डर के हिसाब से आपको करना होगा इस तरह से। बिल्कुल चेस्ट टच होनी चाहिए अपने हाथों के बीच। तो यही था डायमंड पुशअप्स। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।